खोलेंगे सबके राज, राजनामा दुनिया के साथ, मैं पूनम। महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम अजित पवार ने मंगलवार को अपने नए पार्टी दफ्तर का ऐलान किया था। ये ऑफिस मुंबई में मंत्रालय के सामने स्थित एक बंगला है। वे आज इसका इनॉग्रेशन करने वाले थे। ऐसे में जब उनके समर्थक दफ्तर को सजाने के लिए वहां पहुंचे तो उन्हें बंगला बंद मिला। समर्थकों ने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने उन्हें दफ्तर की चाबी नहीं सौंपी। उन्होंने कुछ देर वहां इंतज़ार किया, चाबी को लेकर कॉल भी लगाई, लेकिन अंत में जब चाबी नहीं मिली तो समर्थक वहां हंगामा करने लगे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक समर्थक पत्थर से गेट का ताला तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। समर्थक गेट का ताला तोड़कर अंदर चले गए, लेकिन अंदर जाने के बाद भी उन्हें बंगले में एंट्री नहीं मिली। दरअसल बंगले के अंदर उन्हें सभी कमरे के ताले बंद मिले। हालांकि बाद में अजित वहां पहुंचे और पार्टी दफ्तर का उद्घाटन किया। इस बीच अजीत के ऑफिस में अपनी तस्वीर लगाए जाने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान आया कि जिन लोगों ने मेरी विचारधारा को धोखा दिया उन्हें मेरी तस्वीर का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं शाम को नासिक में पार्टी कार्यालय के बाहर शरद और अजीत गुट के समर्थक इकट्ठा हो गए। दोनों ओर से पहले तो नारे लगे, बाद में समर्थकों के बीच हाथापाई हो गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने मामला संभाल लिया। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।